रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार और एक यूनिक किस्म की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी चाइनीज कटलेट्स जो बहुत ही मजेदार होंगे। तो चले फिर रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो जिस तरह के यहाँ पे हम तैयार करने जा रहे हैं चाइनीज कटलेट्स, तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है और 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो इसको 1 मिनट के लिए ऑयल में हल्का सा जो है वो फ्राई होने देते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने चिकन को जो है वो फ्राई कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और कुछ मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब नमक, काले मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स करते हैं। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 कलियां लहसुन की। तो चलिए जी, अभी हम इसको कवर कर देते हैं और चिकन को टेंडर होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन जो है वो थोड़ा ड्राई हो गया है और टेंडर भी हो गया है। और इसमें कुछ वेजिटेबल्स जो है वो शामिल करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 प्याली के करीब मैंने गाजर ली है, उसको बारीक जो है वो काट लिया है, शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो इसको भी अच्छे से चिकन में हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से अच्छा सा शेडेड जो है वो हो जाएगा। एक कप के करीब यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, उनको मैंने हल्का सा जो है वो बॉईल कर लिया है। और 2 अदद मैंने आलू लिए, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर इसको स्किप करना चाहें तो किया जा सकता है। बच्चे ये है कि आलू शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इसमें इसको शामिल कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब सिरका, इसकी जगह पे आप लेमन जूस जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे चिली सॉस और सोया सॉस। तो चलिए जी, ये सारे मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ऑयल और इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जी, इसको भी सारी वेजिटेबल्स में जो है वो अच्छे से हम जो है वो मिला लेते हैं। यहाँ पे कटलेट्स का मिक्सचर जो है वो रेडी है। तो चूल्हे को बंद कर रही हूँ और मिक्सचर को हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके मज़ेदार कटलेट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। मिक्सचर हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया है और इसमें शामिल करेंगे खूब सारा हरा धनिया और इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अभी यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इससे मज़ेदार जो है वो कटलेट्स तैयार कर लेते हैं। कोई भी शेप जो है वो आप बना सकते हैं। तो जी, इसको आप रमज़ान में भी बना के तो इसको स्टोर करें और मज़ेदार कटलेट्स जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। कटलेट्स यहाँ पे हमारे रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि थोड़े सेट हो जाएं। उसके बाद फिर इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है और कटलेट्स भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। तो 1 अदद यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया है और सिर्फ अंडे में इस तरह से हम इसको डिप करेंगे और इनको ऐसे फ्राई कर लेते हैं। तो एक साइड से देखें कैसा अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो दूसरी साइड से भी करते हैं, दोनों साइडों से जैसे ही अच्छा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी, दोनों साइडों से कैसा खूबसूरत कलर आ गया है। चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार और यूनिक स्टाइल के चाइनीज कटलेट्स जो हैं वो तैयार हैं। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और यूनिक रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।